डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये एक्सरसाइज 81 है और ये क्लास 5 का मैथ बुक है, चैप्टर 17 है और आज हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, नीचे में एक बार ग्राफ दिया हुआ है और इससे संबंधित यहाँ पे एक टेम्परेचर ऑफ ये वीक, एक सप्ताह का टेम्परेचर के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है और इससे संबंधित यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसका आंसर आपको इससे मिल जाएगा। जैसे कि ऑन विच डे द टेम्परेचर वॉज मैक्सिमम, कौन से दिन में टेम्परेचर जो है सबसे ज़्यादा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 40 डिग्री दिया हुआ है टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और ये सबसे ऊंचा ये है। इसका मतलब है कि सैटरडे, उसका आंसर हो जाएगा सैटरडे। इस तरह से इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो भी इसी तरह का दिया हुआ है। यहाँ पर एक बार ग्राफ दिया हुआ है जो कि हॉरिजेंटल वे में दिया हुआ है, घुमा के दिया हुआ है और इसमें भी यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसी से संबंधित है। तो इसका सारा आंसर जो है आपको यहाँ से मिल जाएगा और इसके आगे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है और इसको जो है बार ग्राफ के रूप में आपको ड्रॉ करने के लिए कह रहा है। ड्रॉ इट्स बार ग्राफ, इस तरह से और भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो सारे ड्रॉ करने के लिए कहा गया है और इसमें पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ दोनों ड्रॉ करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी बार ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, ये क्वेश्चन के रूप में हो गया। तो मैं आपको पेपर में ये क्वेश्चन के रूप में मैं ड्रॉ करके नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मैं स्क्रीन पर इसको दिखा दे रहा हूँ। मैं डायरेक्ट इसका आंसर दूंगा, इसीलिए आप यहाँ से क्वेश्चन देख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने बुक से क्वेश्चन देख सकते हैं। तो आइए मैं आप लोगों को पेपर पे इसका आंसर बना के दिखाता हूं। बच्चों, हम लोग आ चुके हैं पेपर पे और यहां पे एक्सरसाइज 81 है, ये सॉल्व किया हुआ है। यहां पे अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, रीड द फॉलोइंग ग्राफ एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। जो ग्राफ मैंने आप लोगों को दिखाया क्वेश्चन नंबर 1 में, उसका यह क्वेश्चन आंसर है। ऑन विच डे द टेम्परेचर वॉज मैक्सिमम, कौन से दिन में टेम्परेचर सबसे ज़्यादा रहा, तो उसका आंसर है सैटरडे। विच डे वॉज कूलेस्ट, मतलब कौन सा दिन सबसे ज़्यादा ठंडा रहा, किस दिन सबसे ज़्यादा ठंड रही, तो इसका आंसर है ट्यूजडे। और वट वॉज द टेम्परेचर ऑन संडे, संडे में कितना टेम्परेचर था, तो 35 डिग्री सेल्सियस। और डी नंबर में, वट वॉज द टेम्परेचर ऑन मंडे, मंडे में कितना टेम्परेचर, तापमान कितना रहा, तो 30 डिग्री सेल्सियस। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे एंड थर्सडे, थर्सडे और वेडनेसडे और थर्सडे के तापमान में कितना अंतर रहा, तो वेडनेसडे में टेम्परेचर 32 डिग्री था और थर्सडे में 35 डिग्री। तो डिफरेंस निकालने के लिए जो ज़्यादा है और कम से उसको माइनस कर देंगे, तो डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है 35 - 32, तो 3 डिग्री सेल्सियस का अंतर रहा, डिफरेंस रहा, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, तो इसमें भी एक ग्राफ दिया हुआ था, एक हॉरिजेंटली ग्राफ दिया हुआ था वहाँ पे, तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन दिया हुआ है और उसका आंसर यहाँ पे है। हाउ मेनी पर्सन्स डेड इन अप्रैल, अप्रैल के महीने में कितने लोगों की मृत्यु हुई, तो 18, इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 18 पर्सन्स आप लिख सकते हैं, 18 पर्सन्स। व्हेन डिड मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन डाई, कौन से महीने में, तो यहाँ महीने में दिया हुआ है, तो कौन से महीने में सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई, मैक्सिमम नंबर, तो फरवरी इसका आंसर है। फरवरी महीने में सबसे ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई। और क्वेश्चन नंबर 3 में, व्हेन वेयर द मिनिमम डेथ्स ड्यू टू एक्सीडेंट्स, एक्सीडेंट्स का ये बार ग्राफ दिया हुआ है, तो किस महीने में मिनिमम मतलब सबसे कम एक्सीडेंट में लोगों की मृत्यु हुई, तो जनवरी है, जनवरी में सबसे कम लोगों की मृत्यु हुई एक्सीडेंट में। और इसमें और क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोल रहा है कि हाउ मेनी फीवर पर्सन्स डेड इन मई देन मार्च, तो यहाँ पे बतला रहा है कि मई में कितना कम लोगों की मृत्यु हुई मार्च से, मतलब यहाँ पे डिफरेंस पूछ रहा है कि मई में कितने कम लोगों की मृत्यु हुई, तो यहाँ पे डिफरेंस यहाँ दिया हुआ है। जैसे मई में 13 हो गया, 13 लोगों की डेथ हो गया और मार्च में 15, डिफरेंस यहाँ पे 15 - 13, तो यहाँ पे 2% आ रहा है, दो लोगों की मृत्यु कम हुई मई में मार्च के मुकाबले, तो इस तरह का इसका आंसर 2% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग टेबल शोज, यहाँ पे ये क्वेश्चंस दिया हुआ है और ये इस तरह का टेबल दिया हुआ है और यहाँ पे इसको ड्रॉ इट्स बार ग्राफ, ये बार ग्राफ में इसको ड्रॉ करने के लिए कहा गया है, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको ड्रॉ करना है तो यहाँ पर ड्रॉ किया गया है, जैसे कि सब्जेक्ट्स हो गया और मार्क्स ऑफ 10, तो कुछ एक स्टूडेंट है जो अलग अलग सब्जेक्ट्स में इस तरह का वो नंबर प्राप्त किया हुआ है, इंग्लिश में इतना हो गया, मैथ में इतना हो गया, इस तरह का, तो इसको बार ग्राफ में दिखाना है, मतलब यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है सेम टू, उसको बार ग्राफ में शो करना है।
तो यहाँ पे बार ग्राफ में शो करने के लिए उसका जो जानकारी दिया रहता है कि ये किस चीज़ का बार ग्राफ है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, इस तरह से ये इसके बारे में बता देना है इतना लिख के। उसके बाद यहाँ पे एक बार ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देख रहे हैं यहाँ किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है। इसका आंसर जो है बुक में नहीं दिया हुआ है, आंसर शीट में इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका इसके पीछे कारण ये है कि ये यहाँ पे 0 से 10 लिया गया, 20, 30, 40, 50 इस तरह से अपने सुविधा के अनुसार यहाँ पे लेकर आप बार ग्राफ बनाते हैं। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 10 लिया जाए, 20 लिया जाए, हो सकता है 5 लेके बना सकते हैं, 5, 10, 15 इस तरह से बना सकते हैं। उसमें क्या होगा कि वो तो काफ़ी बड़ा बन जाएगा, इसका डबल बन जाएगा, जितना छोटा लेंगे उतना बड़ा बन जाएगा। तो इस सुविधा के अनुसार जो है 10, 20 मैंने लेकर इसको बनाया है। तो इसका मतलब है कि आप जो आंसर बनाते हैं वो जो दिया हुआ आंसर है उससे डिफरेंट हो सकता है, इसीलिए आंसर वो नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो गया मार्क्स, ये मार्क्स जो है ये हो गया, और ये सब्जेक्ट्स हो गया डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जितना नंबर लाया गया है, जैसे कि ये 45 इंग्लिश में 45 नंबर लाया गया है, तो ये 45 यहाँ पे 40 बतला रहा है, तो इसका इन दोनों के बीच में ये 45 हो गया, और मैथ में 49, तो 50 से थोड़ा सा नीचे इस तरह से। इसका एक बार ग्राफ कॉपी आता है, आप उसको बाजार से खरीद सकते हैं और उसमें बना सकते हैं, उसमें इक्वली करेक्ट बनेगा। इसमें मैंने यहाँ पे व्हाइट पेपर पर बनाया है स्केल लेकर, तो इसमें ये भी सही है। और ये इसमें क्या है, इसमें इसको बनाने में आप व्हाइट पेपर पे बनाते हैं तो इसमें बनाने में आपको काफ़ी मेहनत लगता है, मुझे भी काफ़ी मेहनत लगा। मैं इस पर 2 घंटा 3 घंटा मुझे इस पर समय देना पड़ा, तब जाके इस पर ये बना। तो आपको क्या हो, अगर वो कॉपी खरीद लेते हैं तो उसमें आपको कम समय लगेगा। इस तरह से ये कुछ ड्रॉ कर देते हैं, इस तरह से पेंसिल से मैंने इसमें रगड़ दिया है, जैसे पेन से आप इस तरह से मैंने रगड़ा था, लेकिन फिर इसको पेंसिल से कर दिया ताकि मुझे कम समय लगे। अगर पेन से हम ऐसे से करते हैं या आप ऐसे करते हैं तो क्या होगा कि उसमें काफ़ी समय लगेगा, काफ़ी मेहनत लगेगा। इस तरह का ड्रॉ आप कर सकते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। उस तरह से अब 4 पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4, और ये है क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न ड्यूरिंग ए वीक इन ए हॉस्पिटल। एक हॉस्पिटल में एक सप्ताह के दौरान इस प्रकार से बच्चों का जन्म हुआ है। डेज दिया हुआ है यहाँ पे मंडे ट्यूजडे, और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न, इतने संख्या में बच्चों का जन्म हुआ है एक हॉस्पिटल का, ये डाटा दिया हुआ है। मंडे को 15 बच्चे हुए, ट्यूजडे को 18, और ये वेडनेसडे को 10 इस तरह से दिया हुआ है। तो अब इसको भी बार ग्राफ में दिखाना है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जानकारी देना है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न इन ये वीक, एक सप्ताह में बच्चों का जन्म की संख्या। तो यहाँ पे इसका ये बार ग्राफ बनाया हुआ है, तो अपने सुविधा के अनुसार मैंने यहाँ पे 3 का डिफरेंस लिया हुआ है, 3 का 369, 3 का टेबल जो होता है उस प्रकार से। और यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन बॉर्न, तो बच्चों की जन्म लेने की संख्या यहाँ पे ये हो गया दिया हुआ है। और यहाँ पे डेज ऑफ ये वीक, एक सप्ताह के दिनों में कितने कितने बच्चे जन्म लिए, तो दिन का जानकारी यहाँ दिया हुआ है, इस तरह से ये बनाया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं मंडे में 15 है, तो 15 यहाँ पे 15, तो इसके इक्वल दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे 18 है ट्यूजडे में, तो 18 के इक्वल दिया गया है। इस तरह से आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 का डिफरेंस लिया है, आप इसको ज़्यादा डिफरेंस ले सकते हैं या कम भी ले सकते हैं, 2 का भी बना सकते हैं, 5 का बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही होगा। एक्चुअली इसीलिए आंसर नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे 5, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा है, पूरा क्वेश्चन लिखने में काफ़ी समय लगता है, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा लिख दिया। और ये जो डाटा बना दिया है, यहाँ स्टूडेंट्स पॉकेट मनी, कुछ स्टूडेंट है जिसको पॉकेट्स मनी, डेली पॉकेट्स मनी जो है उन लोगों को 10 रुपीज़, किसी को 12, किसी को 11, 15, 18 इस तरह से मिलता है, तो उसको बार ग्राफ में शो करना है। तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का ये सोल्यूशन यहाँ है, उसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। डेली पॉकेट मनी गॉट बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स, अलग अलग बच्चों द्वारा रोजाना पॉकेट मनी उन लोगों को इस प्रकार से मिलता है, रजत को इस तरह से मिलता है, तो उसको ये दर्शाया गया है यहाँ पे बार ग्राफ में। डेली पॉकेट मनी यहाँ पे दिखाया गया है, और डिफरेंट स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग छात्रों को मिलता है, तो इस तरह से जिसको जितना मिलता है उतना बड़ा यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है, इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे भी क्वेश्चन मैंने पूरा नहीं लिखा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सब जितने भी क्वेश्चन, इसका लंबा लंबा क्वेश्चन होता है, इसीलिए पूरा क्वेश्चन लिखने में समय काफ़ी लगता है। स्टूडेंट्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट पास्ट, पास होने वाले बच्चों की संख्या दिया हुआ है। नंबर ऑफ पास स्टूडेंट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में जो बच्चे पास हुए हैं उन बच्चों की संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। तो इंग्लिश में 90 स्टूडेंट पास हुए हैं, मैथ में 80, हिंदी में 60, इस तरह से एक डाटा दिया हुआ है, और इसको बार ग्राफ में दिखाना है। तो यहाँ पे अब संख्या देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा जो नंबर होता है उसके अनुसार से ये बार ग्राफ बनाने से पहले हमको सोचना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा नंबर कितना है, 90 है, और इसमें ज़्यादा 0 वाला दिया हुआ है, तो अगर हम 10 पे बनाएंगे तो 10 पे बनेगा, और नहीं तो हम 20 पे बना सकते हैं। 10 पे बनाएंगे तो काफ़ी लंबा बन जाएगा, मतलब ऊँचा जाना पड़ेगा हमको, 9 स्टेप लेके जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने 20 का स्टेप लिया हुआ है,
20 का स्टेप लिया हुआ है ताकि ये छोटा बने। 0 से 20, 40, 60, 80, 100, ये जो है ये 90 का है, तो 90 का ये छोटा ही बना क्योंकि मैंने यहाँ बड़ा गैप लिया है, डिफरेंस जो है काफ़ी बड़ा है। इसको हम 10 में लेते तो इसका डबल बन जाता। उस प्रकार से भी आप बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बिल्कुल सही होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास्ट, पास होने वाले छात्रों की संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अलग अलग सब्जेक्ट्स में कितने बच्चे पास हुए हैं, इस तरह का दिया हुआ। इंग्लिश में यहाँ पे दिया हुआ 90, तो ये 90 का बड़ा ग्राफ बना। फिर मैथ में दिया हुआ है 80, 60, 70 और 65। इस तरह से आप यहाँ पे ग्राफ इसका बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में एक पिक्टोग्राफ भी बनाने के लिए कहा गया है। वहाँ पे बार ग्राफ बनाने के लिए कहा गया, उसी को बार ग्राफ जिसको बनाया है उसको पिक्टोग्राफ में भी शो करना है। तो यहाँ पे दिखाया गया है डिफरेंट सब्जेक्ट, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है उस पर कितने स्टूडेंट जो है पास हुए हैं उसको दिखाया गया है। तो यहाँ पिक्टोग्राफ मतलब पिक्चर बना के दिखाया गया है। इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सोशल साइंस और जनरल साइंस, इससे पहले का जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 80, उसमें ज़्यादातर पिक्टोग्राफ का क्वेश्चन दिया हुआ है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप उस एक्सरसाइज को देख सकते हैं। एक्सरसाइज 80 को देखने से आपको पता चल जाएगा कि पिक्टोग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। और यहाँ पे भी बनाकर मैंने दिखाया है, इंग्लिश का ये हो गया। जैसे 90 है उसका, तो यहाँ पे हेयर वन सिंबल, ये सिंबल जो है रिप्रेजेंट्स 10 स्टूडेंट, एक सिंबल 10 स्टूडेंट को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे अगर 9 पिक्चर हम देते हैं तब जाके 90 होता है। और यहाँ पे 80 स्टूडेंट्स है तो मैथ में, तो यहाँ 8 सिंबल देते हैं तो 80 को दर्शाएगा। इस तरह से ये रिप्रेजेंट्स किया हुआ है, ये हो गया। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन ये है। और यहाँ पे इतना जगह होने के बावजूद भी मैंने यहाँ पे नहीं बनाया, इसके पीछे क्या कारण है आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। डिफरेंट फ्रूट्स इन रिंकीज रेफ्रिजरेटर, अब यहाँ पे अलग अलग फल के बारे में दिया हुआ है। रिंकी के रेफ्रिजरेटर में अलग अलग फल है, एप्पल, बनाना, चेरी, ऑरेंज, मैंगो, पाइनएप्पल, ये फ्रूट हो गया। और इतने संख्या में ये फ्रूट है, तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे बताया गया है कि जो बार ग्राफ आप बनाएंगे वो हॉरिजेंटली बनाएंगे, हॉरिजेंटल वे में बनाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे ये अटने वाला नहीं है। इतना ज़्यादा जगह होने के बावजूद भी यहाँ पे वो नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उसको बैक साइड में बनाया है। तो ये देखते हैं इसको, ये है क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। बार ग्राफ ये है और ये हॉरिजेंटल वे में है, जो स्क्रीन पे कंप्लीटली नहीं आ रहा है, तो स्क्रीन को हम लोग छोटा कर देते हैं। ये हो गया, अब ये स्क्रीन पे आ रहा है, अब देख रहे हैं इस तरह से इसको बनाना है। आपको अपने पेज को घुमा लेना है, मैं आप सीधा करके दिखा देता हूं आप लोगों को। ये पेज जो है ये इस तरह से अगर हम कर देते हैं, ये देखिए, अब पेज को मैंने घुमा दिया है तब ये सीधा दिख रहा है। अब देख रहे हैं सीधा दिख रहा है, इसको थोड़ा सा हम जूम कर लेते हैं। अब देखिए आप लोगों को क्लियरली दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, यहां पे इस तरह से बनाना है। तो एक्चुअली मैं पेज को घुमा के आप लोगों को दिखा रहा हूं इसलिए सीधा दिखाई दे रहा है, लेकिन बनाना आपको इस तरह से है जैसा आप लोगों को पहले दिखाया गया, इस तरह से बनाना है। तो आप लोग देख चुके होंगे इस तरह से, तो पेज को आप घुमाकर बना लेंगे तो फिर उसके बाद वो इस तरह से बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे ये एक्सरसाइज पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे एक्सरसाइज 81 पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है। अगर आप लोगों को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैंने व्हाट्सअप नंबर अपना दिया हुआ है, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर कोई समस्या हो तो। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से मदद मिल रहा है तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अलावा जिस एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रॉब्लम है आप कमेंट कीजिए, मैं उसको बना कर दूंगा। तो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।